आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी सत्य नारायण सिन्हा को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 जुलाई 1900 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। सिन्हा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। सिन्हा ने स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर जिला स्कूल से प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। वे किसान और जमींदार के रूप में बड़े हुए और बाद में बिहार की राजनीति में शामिल हो गए। वो 1926 में बिहार विधान परिषद के सदस्य और 1934 में केंद्रीय विधान सभा के सदस्य बने। सिन्हा को बिहार से संविधान सभा के लिए चुना गया था। वो पहली 3 लोकसभाओं के लिए चुने गए और लोकसभा में कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य और संचार मंत्रालय सहित कई विभाग संभाले। वे 1971 और 1977 के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए। 26 जुलाई 1983 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी तारा सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका निधन 9 जुलाई 1925 को हुआ था। पंजाब के जालंधर जिले के निवासी तारा सिंह 1925 में सभी प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध के ब्रिटिश आदेश के खिलाफ जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा के लिए 11वें अहिंसक शहीदी जत्थे में शामिल थे। जत्था जब गुरुद्वारे पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया और बड़ी संख्या में जत्थे के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तारा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जुलाई 1925 को पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस वीर शहीद को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी देनू शाह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के निवासी शाह शुरू में ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे, लेकिन विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन एक मुठभेड़ के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। 9 जुलाई 1858 को देनू शाह को फांसी दे दी गई। भारत के इस वीर सपूत को नमन। हम शहीद घुनु सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 9 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने फांसी दी। उत्तर प्रदेश में बेलौंजा के निवासी घुनु सिंह शुरू में ब्रिटिश सेना की 23वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। घुनू सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन पर नौकरी छोड़ने तथा विद्रोह के आरोप लगाए गए। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 9 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस वीर स्वतंत्रता सेनानी को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण प्रसाद को भी याद कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 23वीं रेजिमेंट में सैनिक थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में भाग लिया। उन्हें कंपनी की सेना ने पकड़ लिया और 9 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। मां भारती के इस सपूत को नमन।